स्ट्रॉबेरीज ली थी, तो मैंने इनको अच्छी तरह देखे धो के और मैंने छोटे पीसीज में काट लिए हैं। और मैंने दो अदद लेमन लिए हैं, इनका भी मैंने इस तरह काट लिया है। और हमें शुगर चाहिए तकरीबन, मैंने 4 टीस्पून मैंने शुगर ली है। और उसके साथ मुझे पानी चाहिए होगा 2 कप, और थोड़ा सा मुझे साल्ट भी चाहिए, लाइक 1 पिंच ऑफ साल्ट भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते जी, अब हैं। हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें जूसर चाहिए, उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज डालनी है अपनी। जैसे मैंने अपनी स्ट्रॉबेरीज डाल ली हैं, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, तकरीबन हाफ हाफ कप मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया इसको अच्छी तरह। पहले मैंने ग्राइंड किया था, उसके ऊपर फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर जो 2 लेमन है मैं वो भी इसके अंदर निचोड़ दूंगी। लेमन से इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला आ जाएगा और ये बहुत यम्मी ड्रिंक बन जाएगी। जिसको देखिए, अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है, लेमन्स के साथ। अब मैंने इसके अंदर जो शुगर थी मेरी 4 टीस्पून मैंने वो भी ऐड कर दी, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी डाल दूंगी। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका लिड बंद करते हैं और इसको दोबारा, अब हमने इसको ग्राइंड तो किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको कैसे सर्व करते हैं, तो सर्व करने के लिए पहले सबसे पहले हमें आइस लेनी है। जो आइस हमें ग्लास में ज़रूरत है, जितनी आइस आप पीना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना जूस इसके अंदर डालते हैं। जी ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर एक लेमन डाल देंगे ये, और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डाल देते हैं और ख़ूबसूरती के लिए। ठीक है, और अच्छा भी लगता है देखने में, खूबसूरत लग रहा है। और एक स्ट्रॉबेरी हम इसके साथ ऐसे लगा देते हैं डेकोरेशन, देखने में अच्छा लगेगा सबको, पीने में भी इंशाल्लाह। और स्ट्रॉज रख देते हैं इसके अंदर हम। ठीक है जी, देखिए हमारा देखिए, ड्रिंक बिल्कुल पीने के लिए तैयार है, रेडी हो चुका है। और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरीज और लेमन का दोनों का आपस में जो मैच है, सेहत के लिए बहुत अच्छी, दोनों दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आई होप कि आप भी इसको बनाएंगे और इंजॉय करेंगे इसी तरीके से। गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, गर्मी के मौसम में आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। और चलें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए किसी नई वीडियो तक के लिए, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।